Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shreya. In today's video, we'll discuss about lot of interesting facts about universe. Before this video, must visit my other videos on universal facts. You can find it in my playlist named Physics. तो चलिए शुरू करते हैं. आपने कभी white dwarf के बारे में सुना है? वो white dwarf कैसे बनता है? एक particular material से बनता है? वो material कैसा होता है? जैसा हमारी अर्थ पर जो मैटर प्रेजेंट है ना, जो हमारी अर्थ पर काफी तरह का मैटर प्रेजेंट है, उस मैटर की डेंसिटी अगर मैं बहुत सारी बढ़ा दूं, तो उस मैटर से बनता है व्हाइट ड्वार्फ. सो बेसिकली व्हाइट ड्वार्फ इज मेड बाय मटेरियल व्हिच इज मिलियंस ऑफ टाइम डेंसर एज कंपेयर टू द मैटर प्रेजेंट ऑन अर्थ. अब बात करेंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं? Mercury, Venus, Earth and Mars. चार planets, terrestrial planets. अब इन चारों को अगर बताएं, अब इन चारों को हम size के according कैसे लिखें? Size के according कैसे बताएंगे? मतलब अगर मैं बात करूं ascending order में इनका size क्या होगा? तो सबसे छोटा है Mercury, फिर आता है Mars, उसके बाद है Venus and after that all Earth. Mercury, Mars, Venus and Earth. मर्क्यूरी तो सबको पता है सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है एंड सबसे क्लोजेस्ट है सन के. उसके बाद है मार्स. और वीनस और अर्थ भी सबको पता है दोनों क्या है? ट्विन्स, बिकॉज दे गॉट सेम एंड सिमिलर शेप एंड साइज. तो अगर कोई आपसे पूछे कि विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, तो आप क्या कहेंगे? मर्क्यूरी. करते रहते हैं सन की एनर्जी, सन की सोलर एनर्जी, सन की ये वो. कभी ये सोचा है वो ट्रांसफर कैसे होती है अर्थ में? कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू. जितनी भी सन की एनर्जी है वो अर्थ में ट्रांसफर करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से. अब आपको तो पता ही होगा कि हर प्लैनेट जब सन के अराउंड पाथ फॉलो करता है तो वो एलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है. मतलब एक टाइम ऐसा आता है जब वो सन के सबसे करीब होता है और एक टाइम ऐसा आता है जब वो सन से सबसे दूर होता है. क्योंकि एलिप्स के अंदर क्या होती है? दो एक्सिस, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस. तो जब माइनर एक्सिस आती है मतलब वो जो प्लैनेट है वो सन के बहुत करीब है, लेकिन जब मेजर एक्सिस आती है तो वो प्लैनेट क्या है? सबसे दूर. अब वो जो एक्सिस है मेजर एक्सिस, अब कोई भी प्लैनेट है वो सन से उस पॉइंट पर है, वो ऐसे पॉइंट पर है जब वो सन से बहुत दूर है. अब उस डिस्टेंस को मैं क्या कहूँगी? उसे कहते हैं अफेलियन. दिस इज व्हाट वी कॉल मेजर एक्सिस इन एस्ट्रोनॉमिकल लैंग्वेज, अफेलियन. सो बेसिकली व्हाट इज अफेलियन? कोई भी आपसे पूछे तो उसको जवाब दीजिए. द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज नोन एज अफेलियन. क्या कभी आपने सोचा है कि जितनी भी गैलेक्सीज हैं या हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की बात कर लें, उसके अंदर कितने स्टार्स होंगे? आई नो काउंट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने हमें एक एवरेज वैल्यू दी है, दैट इज 200 बिलियन स्टार्स. टू मच. 200 बिलियन स्टार आर प्रेजेंट. 200 बिलियन स्टार्स आर एवरेज काउंट ऑफ स्टार्स इन गैलेक्सीज लाइक मिल्की वे गैलेक्सी. देखा है जिसमें जो बहुत ही खूबसूरत होता है उसमें बहुत सी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ल्यूमिनस आर्क्स, बैंड्स, रेज और ऐसी बहुत सी. तो कभी आपने सोचा है वो कहाँ, उसकी लोकेशन कहाँ होती है, वो कहाँ लोकेट करता है? वो बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर लोकेट करता है और उस रीजन को हम कहते हैं आयोनोस्फीयर. ठीक है, ये जो व्यू है ये बहुत ही सुंदर होता है. जाता है जो यूनिवर्स है वो 10 टू 20 बिलियन इयर्स पुराना है ना? अब ये किसे पता लगा कि 10 टू 20 इयर्स पुराना है? एक एस्टिमेटेड आइडिया है, तो ये एस्टिमेटेड आइडिया भी किसी ना किसी वजह से ही मिला होगा. तो ये कैसे पॉसिबल है? आप सबने हबल टेलीस्कोप के बारे में सुना होगा.
नासा का टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप, जी हाँ उसी की कॉन्स्टेंट, द कॉन्स्टेंट ऑफ हबल दैट इज व्हाट वी कॉल द हबल कॉन्स्टेंट, उसकी वजह से ही हम ये पता लगा पाए कि जो यूनिवर्स है उसकी जो एज है वो 10 to 20 billion है, कि वो 10 to 20 billion ईयर्स पुरानी है। अब बात करें फुल मून, फुल मून पूर्णमासी की रात, उस दिन मिड नाइट में जो फुल मून है उसका एंगल कितना होता है, 1/2 degree, 1/2 degree, सो वो जो व्यू है वो भी बहुत ही खूबसूरत होता है। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ आपको पता ही होगा, ऐसा स्टार जो पूरे स्काई में सबसे ज्यादा ब्राइट है कौन सा, सिरस। सिरस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई ऑफ अर्थ। ये क्वेश्चन तो आपको जरूर पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्स्टेलेशन की जिसे इंग्लिश में कहा जाता है द स्वैन। आपको पता है उसे लेटिन में क्या कहा जाता है, सिग्नस। सिग्नस कहा जाता है उसे लेटिन में, और द स्वैन कहा जाता है उसे इंग्लिश में। कॉन्स्टेलेशन तो पता है ना क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, नो एक दे फॉर्म अ पर्टिकुलर शेप, देन वी कॉल इट कॉन्स्टेलेशन। आपने साइंटिस्ट का नाम तो सुना ही होगा, गैलीलियो, वो काफी फेमस है एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज में। गैलीलियो जो थे उन्होंने मून पर काफी रिसर्च करी थी इन 1611। उन्होंने सबसे पहले जब इसके बारे में स्टडी किया था तो उन्होंने कौन सा टेलीस्कोप यूज किया था, ही यूज ऑप्टिकल टेलीस्कोप टू स्टडी मून इन ईयर 1611। सनस्पॉट्स के बारे में बात की थी, तो बेसिकली सनस्पॉट्स हैं क्या, सनस्पॉट्स उस वीडियो में मैंने आपको उसका एक टाइम पीरियड बताया था जिसे हम 11 इयर्स कंसीडर करते हैं। सो बेसिकली व्हाट आर सनस्पॉट्स, अब मैं आपको बता दूं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो हमारा इतना गर्म हॉट टेम्परेचर वाला सन है उसमें कुछ कूल एरियाज भी हैं, ऐसे एरियाज जो ठंडे हैं, हाँ क्वाइट इंटरेस्टिंग, उसमें कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कूल है, वो स्पॉट्स हैं, कूल स्पॉट्स, उन स्पॉट्स को हम कहते हैं सन स्पॉट्स। सो बेसिकली द कूलर एरिया और कूलर स्पॉट्स ऑफ सन आर नोन एज सन स्पॉट्स, एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सन स्पॉट्स, 11 इयर्स। देखिए आपने कई बार सुना होगा कोई भी जब कॉमेट अर्थ की ओर ट्रेवल कर रहा है या किसी भी प्लैनेट में, तो कहा जाता है कि उस जो कॉमेट के जो ऑर्बिट्स है ना वो असेंट्रिक है। The comet got eccentric orbits. इसका मतलब क्या है? क्या उसके इसका मतलब है कि उसके जो orbits है वो unpredictable है या कुछ और? नहीं। Eccentric orbits का मतलब है जो sun है वो उस comet की focae से काफी दूर है। उस comet अब देखिए उस वो जो comet है वो आ रहा है, वो उसका भी कोई particular orbit होगा, उस orbit का focae होगा। और कहा जाता है कि वो सन जब उस फोकाई से बहुत ही दूर हो, then we call it that the comet got eccentric orbits। क्या आपको पता है जो वीनस है उसका सरफेस, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है? वीनस पर तो रहा भी नहीं जा सकता क्योंकि वहां पर एसिड रेन होती है। उसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उसमें एसिड क्लाउड्स हैं। उस क्लाउड में अब एसिड क्लाउड्स हैं तो उसमें से डायमंड्स तो गिरेंगे नहीं, ऑफ कोर्स एसिड रेन होगी, तो वहां पर जो भी, और वहां पर इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर है, इतनी गैसेस प्रेजेंट है कि वहां पर रहना ही इम्पॉसिबल है। तो जो उसका सरफेस है वो ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, एसिड क्लाउड्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एंड एसिड रेन, दैट इज नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमंस टू लिव।
बिग डिपर कॉन्स्टेलेशन के बारे में पढ़ा है या कभी देखी है? वो तो सबसे ज़्यादा कॉमन है, हम अगर आसमान में देखें तो हमें आसानी से मिल जाएगी। वो बहुत ही खूबसूरत सी होती है, एक लिड की तरह, एक स्पून की तरह। उसकी एक लिड होती है और एक बॉक्स होता है जिसे कहते हैं कि स्पून का पोर्ड हिस्सा, ठीक है, बिग हिस्सा, वो होता है बिग डिपर। देखिए जो बिग डिपर है उसका जो कप वाला हिस्सा है उसके साथ ना एंड में दो स्टार्स होते हैं। क्या आपको पता है उन स्टार्स का नाम क्या है? उनका नाम है पोलरीज या नॉर्थ स्टार। वो दो स्टार्स जो बिग डिपर के जो कप के साथ है उनके एंड में प्रेजेंट है, दे आर नोन एज पोलरीज एंड द नॉर्थ स्टार। अब देखिए हर स्टार की ना पहचान इसी तरह से होती है। अगर हमें कोई भी स्टार ढूंढना है आसमान में तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे याद रखना पड़ेगा कि इस कॉन्स्टेलेशन के नॉर्थ साइड, इस कॉन्स्टेलेशन के। अब जैसे हमें पता है जो सीरियस है वो हमें ओरियन, जो हमारा ओरियन कॉन्स्टेलेशन है उसके आसपास मिल जाएगा। मतलब यू नो एवरी स्टार हैज इट्स पर्टिकुलर लोकेशन, वी कैन ईजिली फाइंड आउट एनी स्टार इफ वी अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस ऑफ दिस कॉन्स्टेलेशन। चैरन, उसका नाम चैरन ही क्यों पड़ा? उसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। देखिए ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक बोटमैन था जिसका काम क्या था, डेड बॉडीज को रिवर को पास करवाना। वो जितनी भी डेड बॉडीज थी उसे नदी के उस पार लेकर जाता था अपनी बोट के साथ, ठीक है, बोट की मदद से। तो उसका नाम था चैरन। उसी के ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग उसी के नाम से प्लूटो के मून का नाम रखा गया चैरन। क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए सबको पता है अर्थ के अराउंड एक ब्लैंकेट है, ठीक है, वो ब्लैंकेट क्या करती है, हमें सन की जो हीट एंड लाइट है उससे प्रोटेक्ट करती है, मतलब एक इंसुलेटिंग ब्लैंकेट है। उस ब्लैंकेट का नाम क्या है? वी ऑल नो एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द यू नो इमेंस हीट ऑफ द सन। एक ऐसी लेबोरेटरी है जहाँ पर बहुत सी ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जो मदद करते हैं हमें स्पेस को एग्जामिन करने के लिए, यूनिवर्स को एग्जामिन करने के लिए, जहाँ पर बहुत से टेलीस्कोप्स मिलेंगे या बहुत से साइंटिफिक इक्विपमेंट्स मिलेंगी। उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को कहते हैं ऑब्जर्वेटरी। हम उसे लेबोरेटरी नहीं कहेंगे, दिस इज वी कॉल इट ऑब्जर्वेटरी। सो दिस वॉज एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। बाय बाय।